बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन हाल ही में मुंबई के एक जापानीज रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए। वेल, इस दौरान उन्हें अकेले नहीं देखा गया, उन्हें देखा गया एक मिस्ट्री गर्ल के साथ जिनका उन्होंने हाथ थामा हुआ था, और इस दौरान वो कैमरों से बचते हुए उस मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे उन्हें गाड़ी पर बैठाते हुए नजर आए। वेल, आपको बता दें कि मिस्ट्री गर्ल के साथ ऋतिक ये वीडियो देखते ही देखते अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया यूजर्स ये जानने को बेताब हो उठे हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। कुछ लोगों का कहना है कि ऋतिक रोशन अब इस लड़की को डेट कर रहे हैं। सुजैन खान से तलाक के बाद ये पहली बार है जब ऋतिक रोशन इस तरीके से पब्लिक प्लेस पर किसी मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे हुए नजर आए हैं। वह कुछ का कहना है कि ऋतिक की कजन है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्ट्रेस सबा आजाद है। आपको बता दें कि सुजैन खान तो अपने तलाक के बाद से ही अपने प्यार का इजहार कर चुकी है। वो एक्टर अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं और उन्हीं के साथ इस वक्त लव एंड रिलेशनशिप में भी रह रही हैं। अक्सर उनके साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। लेकिन तलाक के बाद ये पहली बार है जब ऋतिक रोशन इस तरीके से किसी मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे एक जापानीज रेस्टोरेंट के बाहर नजर आए हैं। वेल, दोनों इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए, इसलिए लड़की का चेहरा पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमेशा की तरह इस बार भी बॉलीवुड के हैंडसम ऋतिक रोशन व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट पैंट और ब्लू कलर के जैकेट में नजर आए, तो वहीं उनकी ये मिस्ट्री गर्ल ब्लैक कलर के टॉप और व्हाइट लेग पैंट्स में नजर आई। दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और पेपराजी से बचते हुए दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऋतिक रोशन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं जिनके साथ वो नजर आए हैं, यानी कि मिस्ट्री गर्ल उनकी गर्लफ्रेंड है या फिर उनके परिवार की कोई सदस्य है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।